दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पलाश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आरआरबी एनटीपीसी हाल ही में रिलीज हुई थी। आनंद फानन में आरआरबी ने रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से फिर से उन्होंने कोरिजेंडम जारी किया है। आज उस कोरिजेंडम में कुछ लगभग 17-16 बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में आज मैं डिटेल चर्चा करूंगा और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है नए बदलाव के अनुसार, क्योंकि आरआरबी को भी कहीं ना कहीं अनुमान लग गया होगा कि आने वाले समय में फॉर्म भरते समय में स्टूडेंट्स को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ें बग हो सकती है वेबसाइट में। तो इस तरीके से उन्होंने यह बात को परखा और फिर से कोरिजेंडम में कुछ नए चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो इस नोटिफिकेशन में आप जो देख रहे हैं उसको मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख सकते हैं यहां पर ये कोरिजेंडम जो है आरआरबी ने आज जारी किया है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 05/2024। तो एनटीपीसी की नोटिस के बाद ये कोरिजेंडम जारी किया गया है। तो कुछ बदलाव जो किए गए हैं उसके बारे में हम अच्छे से तरीके से चर्चा करके आपको समझा देने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आपने फॉर्म भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अगर फॉर्म नहीं भरा है तो एक बार इसको देख लेना फिर फॉर्म भरना, हो सकता है कि आपको अब इसमें स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था कि कैंडिडेट को जो फोटोग्राफ अपलोड करना है वो जेपीईजी इमेज होनी चाहिए और 20KB से 50KB के बीच में इमेज का साइज होना चाहिए। लेकिन अभी क्या उन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया कि 30KB से 70KB का जो साइज है पिक्स फोटोग्राफ्स का वो एक्सेप्टेबल है। वहीं बात करें अगर सिग्नेचर की तो उन्होंने सिग्नेचर के लिए 10 और 40KB का क्राइटेरिया रखा था, लेकिन उसको उन्होंने बढ़ा करके अभी इसको भी 30KB से 70KB का रख दिया है कि इस बीच में। तो SC ST कैंडिडेट्स को आरआरबी जो है ट्रेवल पास देता है सेकंड क्लास में फ्री पास, उसके लिए वो क्या करता है SC ST के सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करने के लिए बोलता है। तो पहले ये 50 से 100 KB के साइज़ के अंतर्गत JPEG में जो है उनको अपलोड करना था, लेकिन अभी बताया गया उन्होंने कि 500KB के जो वीडियो फॉर्मेट है उसमें आप अपलोड करेंगे SC ST के जो आपके सर्टिफिकेट हैं उसके बाद ही आपको सेकंड क्लास का पास जो है वो क्लेम करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, स्क्राइब फोटो जो है उसमें भी यही बताया गया था, सेम चीज़ें ऊपर वाली ही 15.1 में जो स्पेसिफिकेशन दी गई है कि 20KB से 50KB आपकी होनी चाहिए, लेकिन अभी 30 से 70KB में आप अपलोड करेंगे। आप पहले भी फॉर्म भरती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करना इस बारे में कि करंट जन्म आया है क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऑलरेडी इसमें लिखा रहता कि हाँ भाई फिर से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये पूरी जो जानकारी है आपको बस इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि जब कोई नया कुछ आता है नोटिफिकेशन कुछ वगैरह तो आप तुरंत परेशान हो जाते हो, उसके पीछे पड़ जाते हो पढ़ाई लिखाई छोड़ के, तो इसलिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 तारीख से टारगेट स्टार्ट होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।